थैंक यू सर। प्लीज़ फाइन आर्ट्स अगर हम करते हैं क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं, और फाइन आर्ट्स के साथ में इंग्लिश या हिंदी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, आपने यही लेना है। फाइन आर्ट्स आप करते हो, फाइन आर्ट्स की आपको आपने वो की हुई है ग्रेजुएशन में, आप एलिजिबल हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, बिल्कुल एलिजिबल हो। और आप इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश का बीए का आपको, क्योंकि इलेक्टिव इंग्लिश नहीं पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी तो आपको बीए का इलेक्टिव इंग्लिश का देना पड़ेगा एग्ज़ाम, 3 साल का, एक दो सेमेस्टर में हो जाता है तो वो देना पड़ेगा, उसके बाद आप होते हैं। ऐसे ही अगर हिंदी लेते हो तो हिंदी का देना पड़ेगा, बिल्कुल एलिजिबल हो आप, है ना। पोस्ट कम होती है, प्रॉब्लम ये है। तो इसके मैं टीजीटी का वीडियो कमेंट याद करवा देना, मैं टीजीटी का डालूंगा। हेलो सर, बीए विच हिस्ट्री इलेक्टिव पंजाबी कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मैं कीती हुई, मेरे लिए टीजीटी बेस्ट कॉम्बिनेशन, ये दे चुका हूँ जवाब। सर पिछले वीडियो से इसका जवाब दे देता है। सर बता दीजिए, मैंने कल फॉर्म फिल करना है, क्या बताना है, कहाँ आपका है ये मुझे नहीं पता। आप मेरा नंबर नोट करो, 8427458843, इस पर वॉइस मैसेज करो व्हाट्सएप पर, तो मैं जवाब दे दूंगा जो रह गए हैं। सर प्री आज ही बता दीजिए, मैंने फॉर्म फिल करना है। ये पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड एंड पंजाबी लिटरेचर पढ़ाया, बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल साइंस भी और पंजाबी लिटरेचर भी। आप पंजाब में एसएसटी के लिए एलिजिबल हो, सेंटर गवर्नमेंट में आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी में एक एडिशन देना पड़ेगा अगर केंद्रीय विद्यालय और जहाँ दूसरे में जाना है, नवोदय विद्यालय CBSE के गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट में आप एलिजिबल हो। तो ये हो गया आपका पक्का, पंजाब में आप पक्का एलिजिबल हो। पंजाबी लिटरेचर, पंजाबी PUP है, ये भी पक्का आप एलिजिबल हो। TGT के लिए भी एलिजिबल हो, ये रहा, यहाँ भी TGT के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल पंजाब में हो, और आपको एडिशन कोई नहीं देना पड़ेगा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट, चलो सर असी इक्को यूनिवर्सिटी दे कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर यूनिवर्सिटी डिफरेंट सिलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, इस नू मैं जनरल वीडियो बना दिना हाँ, कर सकते हैं तुसी, बिल्कुल कर सकते हैं तुसी। एक कॉल, ये पहली ऑप्शन गुरु नानक दी, दूसरी पंजाब दी, तीसरी पटियाला दी, चौथी फिर गुरु नानक दी, किसी भी तरह कर सकते हो। सेम एक कॉलेज नू भी रिपीट कर सकते हो दूसरे कॉम्बीनेशन के नाल, सो कर सकते हो तुसी। हैलो सर, मैं फिलोसफी कंप्यूटर एप्लीकेशन इलेक्टिव इंग्लिश सब्जेक्ट नाल ग्रेजुएशन की है, प्लीज़ मैनू दस दो बेस्ट कॉम्बीनेशन बनाए जो भी एलिजिबिलिटी है। यूनिवर्सिटी नहीं तुसी दसी, जे GNDU लैके चलते हाँ तो तुहाडा बन रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन ते इंग्लिश, इक्को ही बन रहा है तुहाडा, होर कोई नहीं बन रहा, यही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लई है, इनू छड्डना ही नहीं है। TGT लई, गवर्नमेंट जॉब लई, बिना एडिशनल तो बिना तुसी एलिजिबल हो गवर्नमेंट जॉब लई, ये ठीक है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन लिए भी TGT लिए बिना एडिशनल तो गवर्नमेंट जॉब लिए एलिजिबल है। हाँ, जे तुसी पंजाबी ते चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चो, फिर फिलोसफी दे बेस ते तुसी SST लै सकते हो, पर तुहानू एक एडिशनल हिस्ट्री का देना ही पड़ेगा। पंजाब गवर्नमेंट ने 7 पहला सोशल साइंस दित्तियां सी, हुण 9 कीतियां पिछली बारी, फिर शायद 7 हो जाए, कुछ नहीं पता। फिलोसफी एक बारी कढ़ती सी, एक बारी पा ली है, सो इसलिए तुसी डिसीजन लेना है कि एडिशनल देने हैं तुसी कि नहीं। ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स, मैथ, फिजिकल एजुकेशन कॉलेज वालिया ने अपना राजे जवाब दे दिता है मैं। हैलो सर, हिस्ट्री विच अपनी MA मेरे लिए अच्छा, हुण तुसी दोबारा करते हैं ना, तुहानू जवाब नहीं मिलता, कोई नहीं, मैं फोन नंबर दे दिता, जे वो तुहानू नहीं पता लग रहा तो फिर तुसी इस तरह मेरे नाल गल कर सकते हो। नैक्सट चलते हाँ, रहा साढ़े को थोड़ा रहा, ओके क्या है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हाई स्पेयर द क्वेश्चन, कहाँ है क्वेश्चन, नहीं है सर। प्लीज़ कॉलेज फीस स्ट्रक्चर ते भी वीडियो पा दिता राजे, अज वीडियो पा दिता है, अपलोडेड ओके, ये रिप्लाई हो गया आपका। PGT का सिलेबस दस दो कमर्स वालियां ली, नहीं मैं क्वेश्चन नहीं समझिया, अनक्लीयर है, दोबारा पूछो क्वेश्चन कि PGT केड़ा सिलेबस पूछ रहे हो तुसी, टेट का सिलेबस या टेट का तो होना नहीं है, मास्टर किड का सिलेक्शन का, PGT का सिलेक्शन टेस्ट का होंदा है वो पूछ रहे हो,
सो मैनू क्लीयर करो, उस तो बिना मैनू नहीं जे पता लगना क्वेश्चन मार्क कितने है एरिया है ना, रिप्लाई करता ओके सर प्लीज़ मेरा डाउट क्लीयर कर दो, तुहानू कमेंट पूछ रही सी बच्चे तुसी इग्नोर कर देंदे हो प्लीज़ टेल कमर्स इंग्लिश सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन वाले स्टूडेंट मास्टर केडर विच इंग्लिश होंगे है किस सब्जेक्ट लई प्लीज़ प्लीज़ नहीं समझ ये दे चुका मैं जवाब तीन दो बार तो दे चुका कमर्स इंग्लिश सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट मास्टर केडर विच एलिजिबल होंगे है, मैं पूरा वीडियो इस पर बनाया हुआ है थले इस दे नीचे लिंक दिता हुआ है ये देखो तुसी ये देखो एक मिनट रुको ये तुसी गए आर चलो इत्थे जाने ये चैनल पर गए चंगी तरह देख लो ये सारे दिते हुए ने कोई वीडियो मान लो आ वाला वीडियो मैं चक्या ओके ये वीडियो नू क्लिक किया इस दे नीचे ए देखो दिते हुए ने इत्थे मोर ते क्लिक किया हुण तुसी बी बी ए बी कॉम है ध्यान नाल देखो बी बी ए बी कॉम इत्थे आ तीजे नंबर ते वीडियो है ये वाला ये वीडियो च डिटेल च तुहाडी सारी इनफॉर्मेशन दिती हुई है डिटेल च एक एक चीज़ डिस्कस की हुई है इस नू काइंडली करके देख लो एक बार है ना तुसी लैंग्वेज लैके अडिशनल दे के वह बन सकते हो ये ये दस्या हुआ है नैक्सट है फिर भी की पूछा यार दस दें किस सबजैक्ट लिए प्लीज़ कमर्स इंग्लिश सबजैक्ट कॉम्बीनेशन वाले मास्टर इंग्लिश का तो इलैक्टिव तीन साल का देना पैना है दो समेस्टर होएगा नाल नाल भी बी एड दे सकते हो बाद भी दे सकते हो और थोड़ा जोड़ा है कलैश कर सकता है वो जिम्मेवारी थोड़ी रहेगी उस तो बाद टी जी टी एलीजिबल हो ठीक है सर हैलो मैं हिस्ट्री मेरे लिए ये पहला भी आ चुका है क्वेश्चन सर तुसी प्लीज़ दस दो कि तुहाडे नाल कॉल करनी होवे मैं नंबर दे दिता है 8427458843 जे गल करनी है प्रैफर करना वैसे 9872978981 ओके नैक्सट है वापस चल के फिर देखते हाँ कि केड़ा सी ए वाला केड़ा सी नैक्सट है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला माइग्रेशन करो ये मैं प्रोसीजर वक्रा वीडियो माइग्रेशन पर बना दिना हाँ सर प्राइवेटली रेगुलर बी एड की फीस विच किन्ना डिफरेंस होएगा कि सेम ही होएगा जी प्राइवेट ते रेगुलर नहीं प्राइवेट ते रेगुलर तुसी टर्म गलत सारी रेगुलर ही हो रही है प्राइवेट कॉलेज विच होएगी प्राइवेट कॉलेज होंगे सैल्फ फाइनैंस गवर्नमेंट उन्होंने फाइनैंस नहीं दिंदी उन्हें जनरेट करने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम अपनी फीस इन्नी रख सकते हो गवर्नमेंट ने भी कहा है उन्नी तो उसकी फीस ज़्यादा होंगी है बाकी जे मैं नहीं समझ सकिया तुहाडा क्वेश्चन तो वेरी सॉरी कौर जी 84 पूछ रहे ने रीड मोर करके सर मैं बी एच होम साइंस पोलीटिकल साइंस इलैक्टिव हिंदी पढ़ी है प्लीज़ टैल मी 2 16 18 अच्छा ये तुसी होम साइंस पढ़ी है यूनिवर्सिटी नहीं दसी नंबर एक और तुसी हो जे जी एन डी यू च हो जी इत्थे लिखिया जी एन डी यू पोलीटिकल साइंस ते हिंदी लिए एलीजिबल हो पोलीटिकल साइंस पी जी टी बनेगा पी जी टी बाद विच तुहानू पहला इस तो बाद बी एड तो बाद एम ए पोलीटिकल साइंस करनी पड़ेगी फिर ओके ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का है दूसरा हिंदी है कुछ नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब लिए एलीजिबल हो हिंदी बेस्ट है तुहाडा बन रहा दूसरा इस तरह होम साइंस ते हिंदी बनेगा पोलीटिकल साइंस नहीं लैना होम साइंस से हिंदी बनेगा टी जी टी लिए भी एलीजिबल हो कोई वादू नहीं देना पड़ेगा ये बिल्कुल ठीक है पोलीटिकल साइंस से एम ए करनी पड़ेगी जे तुसी चले गए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ते पटियाला इन्हां दो यूनिवर्सिटी दे विच फिर तुहानू तुसी पोलीटिकल साइंस की जगह एस एस टी नाल लै सकते हो लेकिन हिस्ट्री का बी ए का तुहानू देना पड़ेगा अडिशनल तीन साल का दो समेस्टर बी एड के नाल नाल भी जां बाद विच भी दे सकते हो नाल लैनी पएगी तुहानू हिंदी ही प्रैफर करनी है हिंदी नहीं छड्डना हिंदी तुहानू उतारण वाला है हिंदी लई तुसी क्योंकि डायरैक्ट एलीजिबल हो नैक्सट चलते हाँ सर मैं प्राइवेट कॉलेज कुछ पैसे दे के सीट रखवा ली सी ते मैं रेगुलर च एडमिशन लिया सी बट मेरे नाल एक होर कुड़ी सी उन्हें प्राइवेट बी एड करनी है वो बोल के एडमिशन लैन लिया तुसी प्लीज़ मैनू इन्ना च डिफरेंस की हुंदा है नहीं मैनू खुद नहीं पता प्राइवेट बी एड केड़ी कह रहे हैं तुसी रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट हाँ
मैं फोन नंबर दिता है, फोन पर गल करो। प्राइवेट शायद वह कह रहे हैं जेडे कॉलेज नहीं जाते, वो जिन्हों डमी सीट कहें शायद वह होएगा। उस बारे तो मैं कोई गाइड नहीं करता चैनल पर, वो तो करप्ट सिस्टम के वैसे मैं खिलाफ हाँ, दिलों खिलाफ हाँ, पर सारा चल रहा है, सारे कर रहे हैं। शायद उसनू प्राइवेट कहें होवो, रैगूलर का मतलब यह हो कि 75% अटेंडेंस लगती है, शायद वह हो। हुण मैनू नहीं पता, तुसी फोन कर लियो 9872978981 ते, क्योंकि दिन थोड़े ने, फोन करके ही सर तुहानू ये सारा दस देंगे कि तुहाडा शंका दूर हो जाएगा। मैं BSc ऑनर कमिस्ट्री च कीती है, 2 साल फिजिक्स मैथ पढ़िया है, और मेजर माइनर सब्जेक्ट प्लीज़ दस दो। एक और क्वेश्चन कि इस ग्रेजुएशन में मार्क्स कैसे फिल करने हैं, कि सर ग्रेजुएशन के मार्क्स कैसे फिल करने हैं? मेरे मार्क्स CGP का आप वो पीछे आपका ना कन्वर्ट करने का कन्वर्जन फार्मूला उस बोलते हैं, जो DMC है उसकी बैक साइड पर होगा, बैक साइड पे फार्मूला लिखा होगा कि उसको कन्वर्ट कैसे डिजिट में करना है। वो फार्मूला अप्लाई करो, फुल आपके जो मार्क्स आए हैं वो फिल करो, फार्मूले पर अप्लाई करो, तो आपकी पूरी वो निकल आएगी। आपके DMC के पीछे ही हैं टोटल मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स हमने बताया गया, प्लीज़ गाइड में। तो आपने BSc ऑनर केमिस्ट्री की है ना, तो अभी जो गवर्नमेंट जॉब निकली थी 2022 में, उसके लिए तो आप उसके मुताबिक तो आप साइंस के लिए एलिजिबल, साइंस आपको मिल रही है, लेकिन ये चेंज भी होते रहते हैं। आप BSc ऑनर्स में आप और क्या क्या पढ़ा है ये नहीं मुझे पता। नॉर्मली ये जो इनको साइंस कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, 2 साल फिजिक्स और मैथ पढ़ा हुआ है, तो मैथ 2 साल क्योंकि पढ़ा है, आप साइंस मैथ ले सकते हो, यही बेस्ट आपके लिए रहेगा। अगर आप ऑनर केमिस्ट्री और फिजिक्स, मेरे ख्याल में ये साइंस और फिजिकल साइंस आपको नहीं मिलेगा, फिर भी पूछ लेना कॉलेज में, अदरवाइज साइंस और मैथ आपका कॉम्बिनेशन बेस्ट बन रहा है, इसको आप ले सकते हो। नेक्स्ट है सर, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लास्ट सेम का रिजल्ट जरूरी है? मैं समझा नहीं है। हाँ, जब तक पूरा नहीं होएगा रिजल्ट मिल नहीं जाएगा, पूरा केस डिस्कस करना पड़ेगा। जे वही क्लास है तो उसका लेना है तो नैचुरली उसका रिजल्ट आया होना चाहिए है। माइग्रेशन तो वक्रा वीडियो कर देना। हाँ सर, मुझे BEd नॉन अटेंडेंट करनी है, इसलिए किसी एजेंट ही ने मेरा फॉर्म भरा है, मैंने आपका वीडियो देखी और मैंने उससे रिजल्ट की बाद अपने सब्जेक्ट फिलिंग का पूछा, तो उसने कहा कि आप चिंता मत करो, हम पेपर में आपकी वीडियो देख के, मैंने उसे कहा कि चॉइस कहाँ भरी है, तो सीधा उसने स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें उसने एक ही कॉलेज यूनिवर्सिटी फिल की है थी, सब्जेक्ट भी वो जो मेरे ही नहीं, MSc केमिस्ट्री के मैंने, और उन्होंने फर्स्ट में साइंस फिल कर दिया और बाकियों में मैथ, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन वगैरह सब्जेक्ट भरे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा कि एक ही क्यों भरा है, इग्नोर करना चाहा, और मुझे जब चेंज का पूछा और कहा कि आपने कोई गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं फिल किया, तो कहा कि नहीं, अब चेंज नहीं हो सकता सर, आई एम वेरी कंफ्यूज दिस टाइम व्हाट आई वाज डूइंग। ओके, मार्क्स भी अच्छे हैं तो आप नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में, आप कहाँ रहते हो पता नहीं मुझे। आप 9872978981 पर है ना कॉल करके, प्रिंसिपल सर हैं उनसे बात कर लीजिए एक बार, तो इसका आंसर, क्योंकि ये दूसरा मामला है इलीगल, तो मैं यहाँ पर जवाब ऐसे नहीं दे सकता है ना। तो वो जो एजेंट होंगे वो भी मेरे को बुरा बुरा बोलेंगे कि ये मेरा ये सिस्टम ख़राब कर दिया, तो मैं क्या करूँ, मतलब ये सारे सिस्टम ने कॉलेज में से बच्चे, स्कूलों में से बच्चे गायब हो गए, क्या करें, मतलब पॉलिसी, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, NCT सबको पता है, पर फिर भी ये हो रहा है, अब मैं क्या करूं। लेकिन हाँ, आपकी प्रॉब्लम है वो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज फिल करना चाहिए था, अगर मिल जाती है फीस बच जाएगी, तो उसके लिए आप ये जो है
जो नंबर दिया है उस पर बात कर लीजिए। ये रिप्लाई क्या है, सर प्लीज़ इनकी हेल्प करो। हाँ आप बात करो ना, सर तुसी मेरा कदे रिप्लाई नहीं करते। हाई आ देखो ए आल 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 वेरी 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 सॉरी सॉरी कुकड़ बन जाऊँ। प्लीज़ दस दो विदाउट BA सिक्स्थ सेम रिजल्ट, विदाउट BA सिक्स्थ सेम रिजल्ट, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड कॉलेज प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। यस 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 ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए यस कर सकते हैं। यस आपकी बारी आएगी, ये तो आपको 18 तक वेट करनी है, फिर 31 अगस्त तक आपकी बारी है सेकंड काउंसलिंग में आपको फिल करने के लिए, फिर बोला जाएगा, इससे पहले बोला जाएगा, ये लास्ट डेट है। तो ये देखो कितने जनों ने आपका साथ दिया है मेरे से पहले, इनका थैंक्स निकल जाए यार। क्या क्या है ये रहा, यस भर सकते हैं, क्या बात है। ये भी बोल रहे हैं थैंक यू डियर फॉर टेलिंग आई हैव डन बीकॉम एंड स्टडीड इंग्लिश कम्युनिकेशन 2 ईयर एंड पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला एंड नाउ आई वांट टू टेक एडमिशन बीएड विद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कॉमर्स मेजर एंड इंग्लिश इन माइनर इन फ्यूचर आई विल बी एबल टू गिव मास्टर कैडर प्लीज। यस ठीक हो, शाबाश, कैरी ऑन जट्टा, सब कुछ हो जाएगा। सर ऑलरेडी टोल्ड वी विल टेक मास्टर कैडर आफ्टर डूइंग बीएड कॉमर्स लैंग्वेज। सर ऑलरेडी, अच्छा मैंने वीडियो यार इस पर निकाले हैं ये, थैंक यू इनका, आपका थैंक यू। स्टेट कॉलेज पटियाला च हैगी है कॉमर्स। वो फिर तुहानू दिता हुआ एक वीडियो, तिना चार कॉलेजां दी है ना, उच देख लो तुसी। डियर मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो कीती है बीकॉम, ते उत्थे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल 2 साल लई, नॉट फॉर 3 ईयर, सो इवें दा कोई पंगा तो नहीं, 2 साल वाले एलिजिबल होंगे, काइंडली रिप्लाई। 2 साल वाले बीएड विच, इत्थे बीएड विच एलिजिबल ने, एलिजिबल है, ओके एलिजिबल है, लेकिन जॉब लई तुहानू इलेक्टिव इंग्लिश, इंग्लिश ही है ना कम्युनिकेशन, इलेक्टिव इंग्लिश दा 3 ईयर्स का 2 सेमेस्टर विच पेपर होंगे है, वो देना ही पेगा, फिर तुसी जॉब लिए एलिजिबल हो गए। वो पेपर तुसी नाल नाल भी बीएड दे सकते हो, उस तो बाद विच भी दे सकते हो, पर जे नाल नाल देंदे हो, कलैश पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने कहा है कि जे साढ़े तो देंदे हो, कलैश की जिम्मेवारी साड़ी नहीं है, बच्चे की है। स्टेट कॉलेज हैगी है कमर्स, बाकी तुसी कॉलेज विजिट करके पूछ लो। अच्छा तुसी आपस गल कर रहे हो, उदा भी अपना पेपर देना ही है, अडिशनल सेमेस्टर विच ही स्टडी कीता सी, चलो ये तुहाडी गलबात है। सो दैट इज़ ऑल, गलतियां लई माफ़ी, थैंक यू।